हम लोग एन के थ्रू देख रहे हैं सॉलिड स्टेट जिसमें सॉलिड का क्लास सॉलिड पर हैं सॉलिड क्लासिफिकेशन पर हैं दो टाइप का सॉलिड मिला हम लोगों को एक मिला याम्फर्स दूसरा किसोलाइन सॉलिड किशोलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्लासीफिकेशन फोर्स के बेसिस पर देख रहे थे चार टाइप का मिला था मॉलिकुलर सॉलिड आयोनिक सॉलिड मेटैलिक सॉलिड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड हम लोग मोलिकुलर सॉलिड आयनिक सॉलिड मेटालिक सॉलिड पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं नहीं देखें तो उसको थोड़ा देख लीजिए समझ लीजिए और हम लोग अभी शुरू करते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स इसका फोर्थ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कंस्टेंस पार्टिकल्स इसका मेनली कार्बन होता है जो डायमंड और ग्रेफाइट में दिखता है या सिल्कन का जो बनेगा क्रिस्टल uh, उसमें उसमें दिखेगा कभी फास्फोरस कभी नाइट्रोजन ही प्रेजेंट रहता है तो ये नॉन मेटल्स के लिए बोलते हैं बट स्पेशली कार्बन सिल्कन फास्फोरस नाइट्रोजन इन सबों के लिए है नॉन मेटलिक आइटम्स के लिए बोल सकते हैं तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह टाइप है जिसमें कंस्ट पार्टिकल्स नॉन मेटल्स होता है और नॉन मेटल्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड लगा होता है और वो कोवेलेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल थ्रू आउट द लैटिस स्ट्रक्चर पूरे ठोस में होता है पूरे सॉलिड में होता है बोले तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड एक ही मॉलिकुल्स होता है क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड काम करता है और जेंट मॉलिकुल्स बड़ा मॉलिकुल होता है तो द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंस्टिचुएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल स्पेशली कार्बन सिल्कन फॉस्फोरस एटम्स बॉन्डेड बाई कोवेलेंट बाउंड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर और क्रिस्टल आर कोवेलेंट सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड वह सॉलिड है जिसके कॉन्स्टिचुएंस पार्टिकल्स नॉन मेटल्स हैं खास करके कार्बन सिल्कन फॉस्फोरस नाइट्रोजन एटम्स होगा और जिसके बीच में कौन सा बॉन्ड काम करेगा कोवेलेंट बॉन्ड काम करेगा यह कैसा होगा ये जेंट होगा, ये नेटवर्क होगा इसे इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड तो बुक्स के अनुसार देखते हैं कि कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स क्या के लिखा है ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट आइटम्स थ्रो आउट द क्रिस्टल क्रिस्टल में नॉन मेटल्स के एडजेसेंट ऐटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनने से जो एक वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है उसको बोलते हैं क्या कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड ए वेड ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल्स रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट आइटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल सॉरी ये किसके कारण बनता है ये कोवेलेंट बात बनता है किसके बीच में कोवेलेंट बाड्स होता है ये नॉन मेटल्स के बीच में होता है नॉन मेटल्स में स्पेशली कौन कौन होगा कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरसिल्कन खास करके डायमंड और ग्रेफाइड के लिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड दे आर ऑल्सो कॉल्ड जेंट मॉलिकुल्स जैंट मॉलिकुल्स क्यों कहेंगे इसको जैंट मॉलिकल्स क्यों कहेंगे क्योंकि जैंट मॉलिकुल्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके पूरे क्रिस्टल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स नहीं होता कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ए एंड डायरेक्शनल इन नेचर स्ट्रॉन्ग होता है डायरेक्शनल नेचर में होता है क्योंकि ऑर्बिटल्स को ओवरलैप से बनता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस रहेगा उसी की तरफ से बनेगा इसलिए अपोजिट ओवरलैपिंग से नहीं बनता है इसलिए डायरेक्शनल नेचर का होता है देआर फोर आइटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजिशंस जैसे कि मोलिकुलर सॉइड में आयनिक सॉइड में मेटालिक सॉइड में था इंटरमोलिकुलर फोर्स कॉन्शियस पार्टिकल्स को अपने जगह पर रख रहा था यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड रख रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड निश्चित तौर से इंटरमोलिकुलर फोर्स से स्ट्रांगर होगा इसीलिए एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट दियर पोजिशंस अपने पोजिशन में बड़ा ही स्ट्रांगली रहेगा सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल यह ऐसा सॉलिड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है बट ब्रिटल नेचर होता है भंगूर प्रकृति का होता है दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मे ईवेन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए गर्म करने में बहुत पहले से ये भी संभावना है कि वो टूट जाए अपने आइटम्स में अलग अलग हो जाए मतलब डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड प्लेस हो जाएगा और एटोमाइजेशन ऑफ द सॉलिड हो जाएगा इसलिए पहले ही डिकम्पोज हो सकता है टूट सकता है ये पूरे मॉलिकुल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसलिए इसको जायंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं और ये जायंट मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए बहुत ही हार्ड होगा बहुत ही वेरी हार्ड होगा और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होगा और इतना हाई होगा कि ज़्यादा गर्म करेंगे तो उससे पहले टूट ही जाएगा दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोलिकुलर सॉलिड भी इंसुलेटर था बैड कंडक्टर था क्योंकि उसमें फ्री आयंस इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट नहीं था ये सारे आइटम्स एक कोवेलेंट बाउंड से बढ़े हो बने होते हैं नेटवर्क सॉलिड में इसलिए इसमें भी फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट नहीं है इसीलिए ये क्या होगा बैड कंडक्टर इसी भी क्या होगा ये कंडक्ट नहीं करेगा मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा एग्जाम्पल डायमंड फिगर वन पॉइंट थ्री में दिखाया है कि डायमंड एक मॉलिक्यूल से चार मॉलिकल चार एटम्स एक एटम से चार एटम जुड़ा हुआ है चार एटम जुड़ा हुआ है तो टेट्रावेलेंट, टेट्रा हेडल स्ट्रक्चर होता है एक कार्बन का ऐसे ही थ्रू आउट कार्बन के स्ट्रक्चर से बना होता है ये डायमंड और सब में कोवेलेंट बॉन्ड ही है सब में कोवेलेंट बॉन्ड ही है इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण बड़ा ही हार्ड होता है डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल्स में सबसे हार्ड डायमंड को माना जाता है क्योंकि इसमें कोवलेंट क्योंकि ये कोवलेंट सॉलिड है और इसमें कोवलेंट बॉन्ड काम करता है ये जैंट मॉलिक्यूल्स है एंड सिल्कन सिल्कन कार्बाइड और सिल्कन कार्बाइड भी क्या है एक एग्जाम्पल सिल्कन कार्बाइड का हो सकता है जो बहुत ही स्ट्रांग बहुत ही मजबूत होता है टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ सच सॉलिड्स जो बैड कंडक्टर होगा जो नेटवर्क सॉलिड बहुत ही हार्ड होगा उसका टिपिकल एग्जाम्पल कौन है डायमंड और डायमंड और सिल्कन कार्बाइड जिसका एग्जाम्पल कौन कौन है डायमंड एंड सिल्कन कार्बाइड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट क्या है कोहलन नेटवर्क सॉलिड है बट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये एक्सेप्शन है एक अपवाद है ग्रिफाइट इज सॉफ्ट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ आर ड्यू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो फिगर 1.4 पॉइंट फोर एनसीआरटी में दिखाया है बुक में अच्छे से देखिएगा कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू थ्री ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स इन द सेम लेयर एक लेयर में एक कार्बन तीन एटम से जुड़ा होता है तीन एटम के जुड़ने होने के कारण कार्बन की कोवेलेंसी फोर होती है चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है वो फ्री हो जाने के कारण ये गुड कंडक्टर हो जाता है और लेयर लेयर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का लेयर होता है इसलिए ये स्लिपरी नेचर भी होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कोवेलेंट बॉन्ड होता है थ्रू आउट कोवेलेंट सॉलिड होता है इसलिए ये सॉफ्ट होने के बाद भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा गुड कंडक्टर के बाद भी हार्ड होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ही ज़्यादा होता है कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड टू थ्री ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स अपने बगल के अपने पड़ोस के तीन आइटम्स से कार्बन जुड़ा हुआ होगा और ये एक लेयर से दूसरे लेयर तीसरे लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जिसके वजह से ये गुड कंडक्टर हो जाता है इन इन द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज प्रजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स एंड इज फ्री टू मूव अबाउट एंड फ्री टू मूव मूव अबाउट यही कारण है गुड कंडक्टर होने का सॉफ्ट होने का दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक बनाता है गुड कंडक्टर बनाता है डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड One over. द अदर एक लेयर उससे ऊपर स्लाइड हो सकता है स्लिप कर सकता है इसलिए सॉफ्ट होता है दिस मेक्स ग्रेफाइट अ सॉफ्ट सॉलिड एंड गुड सॉलिड लिब्रिकेंट गुड सॉलिड लिब्रिकेंट जहाँ भी हेवी मशीन होता है मशीनरी इंडस्ट्री बड़े होते हैं वहाँ पर लिब्रिकेंट के रूप में ग्रीस के रूप में आयल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं किसका ग्रेफाइट का क्योंकि मेल्टी पॉइंट हाई होता है और लेयर बाई लेयर होने के कारण बीच में फिर इलेक्ट्रॉन प्रजेंट होने के कारण सॉफ्ट जो हो जाता है इसलिए इसके लिब्रिकेंट का फॉर्म यूज़ करते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए हाई टेम्परेचर पर भी हाई हीट प्रोड्यूसिंग मशीन में भी यह क्या होता है लिवरी के फॉर्म में यूज करता है तो ग्रेफाइट ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड है लेकिन हार्ड है मेल्टिंग पॉइंट हाई हार्ड नहीं है सॉफ्ट है मेल्टिंग पॉइंट हाई है और गुड कंडक्टर है तो गुड कंडक्टर सॉफ्टनेस इसका कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के एक्सेप्शनल कैरेक्टर है क्योंकि कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड हार्ड होगा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा जिसका टिपिकल एग्जाम्पल कौन है डायमंड और सिल्कन कार्बाइड डायमंड और सिल्कर कार्बाइड तो ये दोनों इसका टिपिकल एग्जाम्पल है कोवलन नेटवर्क का लेकिन ग्रेफाइट भी एक कोवलन नेटवर्क है लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो लेयर फ्री रह जाता है उसके कार्बन्स के लेयर्स के बीच में जिसकी वजह से वो सॉफ्ट और गुड कंडक्टर हो जाता है और इसी वजह से वो लिब्रिकॉन्ट लिब्रिकेंट के रूप में यूज होता है इंडस्ट्री में तो ये हम लोग का था फोर्थ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड इस तरह से हम लोग सॉलिड क्या है सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड कितने टाइप्स के हैं एमॉर्फा सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखे हैं उसके बाद एमॉर्फा सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखे हैं एन में उसके डिफरेंस देखे हैं उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखें जिसमें मॉलिकुलर सॉलिड आयनिक सॉलिड मेटैलिक सॉलिड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड इस तरह से सॉलिड एंड दे टाइप्स कंप्लीट हुआ इन टेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप बनाइए बुक थारो पढ़ लीजिए जो भी डाउट है आप क्वेश्चन कमेंट में लिखिए उस अनुसार से अगला वीडियो फिर हम बना देंगे एक कोशिश करते हैं डिफरेंस टाइप्स ऑफ सॉलिड जो आपका किसान तो सॉलिड है मोलिकुलर सॉलिड आयनिक सॉलिड मेटैलिक सॉलिड इसे कैरेक्टरिस्टिक टेबुलर फॉर्म में बुक में जो दिया हुआ है उसको एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं थैंक यू टेक केयर पढ़ते रहिए एन नोट्स बनाते रहिए और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि की लाइव में क्लास करने आ सकूँ और लॉकडाउन में पढ़िए पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा मेरे भारत मेरे हिंदुस्तान पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जय हिंद टेक केयर